टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। Located on the outskirts of Jammu city near the airport, the Dargah of Shamsuddin Rahmatullah, popularly known as Pir Buddhan Ali Shah, is among the most revered pilgrimage centers in Jammu and Kashmir. In spite of being the Dargah of a Muslim saint, the shrine is thronged by people from various faiths who come to pay their obeisance and seek blessings of the holy saint. Locals have a great faith in him and believe that his shrine protects the area from mishaps and evil spirits. ये दरगाह बहुत फजीलतों वाली है, अजमतों वाली है। सारी दरगाहें फजीलत वाली, अजमत वाली होती हैं, लेकिन इसके बारे में इसलिए ज़्यादा फजीलत है कि जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि इस दरगाह में जब से यहाँ पर बाबा बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह का क़याम हुआ, जहाँ जब से आप तशरीफ लाए, तो इस इलाके में कोई हादसा नहीं हुआ। Born in Nanka Sahib, which is now in Pakistan, the saint is said to have a religious discourse with Guru Nanak and later accepted Gurmat during the times of Guru Hargobind, the sixth Sikh Guru, and also a dear friend of the saint. Even though Buddhan Shah belongs to family of chieftains, he left everything to become a Sufi mystique. It is believed that the saint lived as many as 800 years and survived only on milk. He earned a lot of love and respect from the people of Jammu and Kashmir, and even today, their belief in him is the same, no matter which caste community they belong to. तो मुझे बहुत ही इस पीर बाबा ने शांति दी, और जहाँ कोई भी कम्युनिटी का बंदा इधर आ सकता है, कोई ये नहीं सिख नहीं आ सकता, या मुसलमान नहीं आ सकता, कोई भी हर बंदा इधर आ सकता है। और बहुत ही मेहनत है बाबा बुढ़न शाह, इनका जो नाम है बाबा बुढ़न शाह जी, हम वैसे आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो बात महानता की, बाबा जी की बहुत ज़्यादा महानता है, यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत भाईचारा, प्यार है हमारा आपस में। The shrine is also revered by all faiths for its age-old tradition and history. As it is located next to airport, it is believed that once an officer ordered the demolition of shrine as it obstructed the runway. But to everyone's surprise, difficulties began to surface and they failed to demolish this place. The planes that took off from the runway developed some or the other problems for which there was no specific reason, and later the idea was dropped. Today, the shrine of Buddhan Ali Shah is not just promoting a message of love and peace to mankind, but has also become a symbol of harmony between different communities. Thank you.
बीन वेरी रेजिलियंट. अब कोविड का जहाँ तक ताल्लुक है, पीपल हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर सम टाइम, मगर अब वक्त आ गया है कि सारी कंट्री से और बाहर से भी लोग जो हैं वो ट्रैवल करना शुरू करें. ऑलरेडी कुछ ऐसी इंक्वायरीज जो हैं यहाँ आ रही हैं. माई फ्रेंड्स टेल मी दैट दे हैव स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज, द होटल्स हैव स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज, एंड वी आर गियर्ड अप, वी आर वेरी एंथुजियास्टिक. यू कुड सी द एंथुजियाज्म बाय द नंबर ऑफ पीपल हियर. आज की मीटिंग यहाँ पर हुई है, जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं, लेट्स होप कि जो हम जिस टर्मोइल से गुजरे हैं, जो हम प्रेजेंट कंडीशंस आफ्टर 5th August एंड देन दिस कोविड कंडीशंस, इंशाल्लाह वी विल रिकवर वेरी सून. बट ये है कि हमें गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट चाहिए ताकि जो टूरिज्म, जो टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एंड ईजी वे आउट हो उन लोगों के लिए, ताकि कश्मीर आकर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. मुझे लग रहा है, एज़ फार एज़ माई अंडरस्टैंडिंग गोज, मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की भी ये मैसेज है, बी वोकल फॉर लोकल. अब जो है ना, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, इंटरनेशनल पैकेजेस पे लोगों को बहुत सारा स्पेंडिंग करना पड़ता था. नाउ दे विल हैव टू गो बैक टू द लोकल टूरिज्म, दे विल बी स्पेंडिंग लेस कम्पेयर टू द इंटरनेशनल टूरिज्म. तो मुझे लगता है डोमेस्टिक टूरिज्म का बूम होगा इंशाल्लाह एज सून एज वी आर डन विद द कोरोना वायरस स्केयर. एटलीस्ट आई बिलीव कि मार्च के बाद अच्छा खासा रिवाइवल हो सकता है एज फार एज डोमेस्टिक टूरिज्म इज कंसर्न्ड. Kashmiriyat signifies the centuries-old indigenous secularism of the land of Jammu and Kashmir. Emerged in the 16th century, the term is categorized by religious and cultural harmony, patriotism, and pride that the residents of Kashmir possess for their land. Even after so many years, the residents of Kashmir have kept the spirit of togetherness alive, owing to its lineage of togetherness and brotherhood. अगर इंसान अच्छा रहेगा तो कम्युनिटी भी, अपोजिट कम्युनिटी भी होगी, वो भी अच्छे से रहेगी. तो हम यहाँ पे सबके साथ अच्छे से रहते हैं, तो हमारे साथ भी सब अच्छे से ही रहते हैं. भाईचारा हर किसी चीज़ का भाईचारा, जैसे एक अपना भाई जैसा होता है वैसे ही उस टाइप का भाईचारा. अगर किसी भी चीज़ में हमको कोई चीज़ ज़रूरत होगी या हमको किसी चीज़ की नीड होगी, तो हमको यहाँ से फुल सपोर्ट मिलता है, उसकी कोई वैसा कोई टेंशन नहीं है, या हमारी तरफ से भी सबको फुल सपोर्ट मिलता है. Ever since, the land of Kashmir has been witnessing socio-political and cultural transformations from time to time. Kashmiriyat, therefore, is believed to be an expression of solidarity, resilience and patriotism, regardless of the religious or cultural differences that its citizens may have. The blending of ideas and values of two major communities that reside in the territory, that are Kashmiri Pandits and Muslims, is the reason why Kashmiris stand out and exemplify the term communal harmony. It is quite common to see Kashmiri Pandits and Kashmiri Muslims not just living together harmoniously, but also being a part in important occasions of each other, both happy and sad. यहाँ सिख, हिंदू, मुसलमान और कुछ दीगर मजाहिब के लोग सदियों से एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बसर गुजर करते आए हैं और रहते आए हैं. एक दूसरे के सुख दुख में शरीक, एक दूसरे के त्योहारों में हमदर्दी, एक दूसरे के खुशियों में शरीक, गम में शरीक, या काम में, कोई भी काम हो
आसान हो मुश्किल हो, एक दूसरे के साथ शाना बशाना सदियों से खड़े होके आए हैं। Strongly influenced by the principles of Kashmiri Shaivism, Buddhism and Sufism, Kashmiriyat is a long-standing conviction that all religions are equal and every religion will lead to the same divine goal.